माशाल्लाह माशाल्लाह से जी आज बना रही हूँ मैं चपली कबाब। यहाँ देखिए कितने मज़े के, कितने टेस्टी लग रहे हैं। चलिए जी आपको ये रेसिपी सिखाते भी हैं और आप सीखिएगा, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं चपली कबाब में और मैं करूँगी आप लोगों से शेयर। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बटन दिया बेल का पूरी प्रेस कर दिया करें, जो मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप लोग, सबको ईद मुबारक। जो बाहर कंट्री में रहते हैं उनको भी ईद मुबारक, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी ईद मुबारक। मेरी तरफ से जो ईद का है आज पहला दिन और मैं क्या बनाने लगी हूँ, बहुत टेस्टी बहुत मज़े का बनने लगा है जी। आज जो है ना चपली कबाब बन रहे हैं बहुत मज़े के, आप लोगों को पूरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी लगेगी तो लगेगी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है जी, एक घंटी का बटन दे प्रेस कर दिया करें ताकि जो मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने ना क्या चीज़ें बनाई हैं आज जो बनाऊँगी बहुत टेस्टी है वो है जी चपली कबाब, बहुत मज़े के। यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने ना जो ये चपली कबाब का मसाला था ये मैंने इसको ना पिसवा लिया चिना से, अच्छा रिवाज भी है इसके अंदर ना, इसके बगैर तो ये रुखे रुखे जो होता है ना वो उसका नहीं बनता। ठीक है ना, रोटी मैंने यहाँ पर ले ली है, थोड़ा सा ये पानी ले लिया यहाँ पर और ये आ गया आपका मसाला। ठीक है, ये है जी शाम का मसाला। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है शाम का मसाला, ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, यहाँ पर है टमाटर और दो अदद हैं अंडे। ठीक है जी, चले बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है अभी, ये जो रोटी के पीसेस है ना इनको हमने इसमें डाल देना। ठीक है, भिगो के, ये बात याद रखिएगा कि पानी में भिगो के डालना है, ऐसे नहीं, तभी आपके ये जो ना चपली कबाब ये सॉफ्ट बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए जी, ये पांच मेरे पीसेस हैं और ये जो है चपली कबाब का मसाला, ये जो है कीमा, ये जो ना एक किलो है। ठीक है, अभी ये मसाला सारा जो ना इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी डाल दिया। अभी ये है टमाटर, ये अभी नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, ये अंडे हैं ये हमने ऐड कर देते हैं इसमें। चलो जी, ये भी चला गया, चलिए काफ़ी चला गया था इसके अंदर। चलो जी, ये भी चला गया इसके अंदर। चले चले, इसको अच्छी तरह से ना आपने जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं ना, इसको आपके हाथ की मदद से इसको मिक्स कर देना। ठीक है, खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना। ये इतने सॉफ्ट बनते हैं डबरोटी जब तक इसके अंदर नहीं होगी ये चपली कबाब आपके तैयार नहीं होंगे। जिस तरह से मैं इसको गूंद रही हूँ इस तरह से आपने इसको देखिए, चमचे के साथ आप ना जब इसको गूंदेंगे ना तो बिल्कुल भी आपके ये मसाला भी नहीं लगेगा इसके अंदर और चपली कबाब भी आपके अच्छे नहीं बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इस तरह से आपने इसको गूंद लेना है। ठीक है, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अपने घर में झटपट में जैसे आपके मेहमान आए और फटाफट जो ना आपने ना ये चपली कबाब बना लें। चलो जी, अभी मैंने सारे को मिक्स कर दिया है, अभी इसको हमने कम से कम भी इसको 10 मिनट या 20 मिनट के लिए इसको हमने रख दिया है। ठीक है, 10 मिनट के लिए रखेंगे और इसको बनाएंगे फिर चपली कबाब। चले जी, अब मैंने फ्राई पैन भी रख दिया है यहाँ पर और पानी भी रख दिया है और कीमा जो है ना चपली कबाब का वो भी यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, ये रहा, सही है, और टमाटर जो है ये मैंने गोल गोल काट दिए हैं और ये रहा। ठीक है जी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ठीक है, हाथ में आप लोगों ने थोड़ा सा पानी लगा लेना। ठीक है, इसलिए पानी लगाएंगे कि ना ये ना चिपके ना आपके हाथ में कीमा जो है ना ये चिपके ना। ठीक है, बिस्मिल्लाह रखाने रहें, इस तरह से करके आपने इसको बना लेना। ठीक है, इस तरह से पीस कर, इस तरह से मैंने बनाए हैं, इस तरह से आपने इसमें बना लेना। ठीक है, पानी में क्यों लगा रही हूँ साथ में, ताकि आपके हाथ में ना ये जो कबाब है वो चिपकेंगे नहीं। ठीक है, देखें नहीं चिपक रहे ना। मेरे घर में ये हमेशा से माशाल्लाह से बकरा ईद पे बनते हैं ये, जैसे कल की जो होगी रेसिपी वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो ये भी आप लोग जो मेरी रेसिपी है ये वाली ये वीडियो ये भी आप लोग शेयर कर दिया करें। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को भी भला हो जाएगा और जो देखने वाले हैं उनका भी, जिनको खाना पकाना नहीं आता। ठीक है, बड़े मज़े के लिए ना कबाब बनते हैं चपली कबाब। ठीक है, बाजार के ना खाएं, घर पे बनाएं, इतने मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं। चलो जी, यहाँ पर हम फ्राई करने के लिए इसको रख देते हैं और एक एक करके ये जो टमाटर हैं आप उन पर रखते हैं। चले चले, हाथ ही दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहाँ देखिए आराम से इसको जो है ना
आप पलट सकते हैं, ठीक है। और ये टूटेंगे भी नहीं, देखा बिल्कुल भी नहीं टूटते, देखा आप लोगों ने कितने टेस्टी लग रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। तो अपने घर में ज़रूर बनाएं ये चपली कबाब। अब यकीन करेंगे ये रेसिपी ना हर किसी को पसंद आएगी। आप ये वीडियो भी मेरी शेयर किया करें, ठीक है जी। हाँ देखिए चपली कबाब बन चुके हैं, तैयार हो गए हैं, साथ में ये ना हरे मसाले की चटनी है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो नौरिंग को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खाए पिए मौज करिए यही ज़िंदगी। कल फिर मिल जाऊँगी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जो ना बन चुके हैं चपली कबाब, यहाँ देखें, और ये साथ में जी चटनी है घर, ये ना हरे मसाले की चटनी है, ठीक है जी। तो अपने घर में ज़रूर बनाएगा ये हरे मसाले की चटनी, जो है ये आपको मेरे चैनल पर नज़र आ जाएगी, मिल जाएगी, तो आप ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है जी।